स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। बीबीजेड एग्जेक्टा, इस ब्रांड का नाम आपके लिए इस तरह से इस्तेमाल होता है कि चाय व्यापार में आने वाली समस्या है, चाय व्यापार की जर्नी स्टार्ट करने के पहले जितने भी ऐसे लोग हैं जो गूगल और यूट्यूब सोशल मीडिया द्वारा ये सोचते रहते हैं कि चाय व्यापार कैसे स्टार्ट करें, ऐसे तो कई बार मैंने इस पर बात की है, इस पर कई वीडियो डाले, लेकिन मुझे इतने सारा कंटेंट डालने के बाद भी कभी कभी लगता है कि मैंने इतना ज्यादा इस विषय में नहीं बोला। मेरा मन होता है कि मैं बिल्कुल एकदम खुलकर जितना मैं बता सकता हूं उतना मैं आप तक वो जानकारी पहुंचाता रहूं। मेरे मन में हमेशा एक ख्याल आता है, चाय व्यापार के बारे में मेरी राय क्या है, चाय व्यापार के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी राय है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन नए व्यापारियों के लिए जो जॉब को पसंद नहीं करते हैं, व्यापार को पसंद करते हैं, और व्यापार को पसंद इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि पहली बात तो इसमें हमें किसी की गुलामी करना नहीं पड़ेगी, कहीं नौकरी किसी का हुक्म नहीं मानना पड़ेगा। जो ऐसी सोच रखते हैं पहली बात तो वही लोग सोचते हैं कि हम व्यापार करेंगे। दूसरे वहां लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि कम वक्त के अंदर बहुत जल्दी वो तरक्की करे, उनके जो सपने हैं वो अपने व्यापार द्वारा पूरे करें। व्यापार, खास तौर पर चाय व्यापार की बात, चाय व्यापार में अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन चाय व्यापार की शुरुआत कैसी हो, कैसे आप चाय व्यापार में आ सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप चाय व्यापार में एक बड़ी कामयाबी आप पा सकते हैं। अक्सर लोग जब चाय व्यापार में आते हैं तो क्या गलती करते हैं, एक्साइटमेंट, बिना लॉजिक के जोश, बिना सोचे समझे वहां ऐसी चीजें फॉलो करते हैं जिससे व्यापार में कामयाब होने का कोई भी रास्ता अपनी मंजिल की तरफ नहीं जाता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद भी इसमें शामिल था, मैंने भी शुरुआती हिस्से के 2-3 साल इसी तरह अपने मन से या गलत मार्गदर्शन के थ्रू अपने 3 साल बर्बाद किए। ऐसा नहीं है कि मैं उचित मार्ग या उचित मार्गदर्शन पहचान नहीं सकता था, बल्कि ऐसा इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति, खास तौर पर नौजवान युवा व्यापारी जब बिजनेस में आते हैं तो उनके मन में पहला ये सवाल आता है कि मैं अपने आइडिया से इस बिजनेस को ग्रो करूंगा, मैं अपने आइडिया से इस बिजनेस को बनाऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी इच्छा शक्ति तो पॉजिटिव होती है मगर उसके पास कोई प्लान, कोई आइडिया नहीं होता है। वह गेंद लगाने में, तुक्के लगाने में अपना वक्त बर्बाद करता है और रिजल्ट ये होता है कि उसकी जो गाढ़ी कमाई है वो उसके हाथ से फिसलती चली जाती है और उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि हर वक्त उसको यह गलत फहमी होती है कि कल मेरे अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर बदलाव आएगा और अचानक से कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा जिसकी वजह से मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आपको जाना है पश्चिम की ओर लेकिन आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आप पश्चिम की तरफ कभी पहुंच ही नहीं सकते, पहली बात। और जो युवा व्यापारी होता है उसका तो मिजाज ये होता है कि मुझे कोई भी बताए तो मैं किसी से कुछ लूंगा नहीं, मैं अपने ही दिल की करूंगा, अपने गेज लगाऊंगा, अपने तुक्के लगाऊंगा और फिर इस बिजनेस को मैं बना के बताऊंगा, कोई पूरा पश्चिम वाला मैटर। और कुछ युवा ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह का मार्गदर्शन लेते हैं,
जो दिखावे से भरी होती है। आजकल ये ट्रेंड शायद पुराना हो गया है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कुछ नौजवान अभी भी इस चक्कर में पड़ा है। जो नए नौजवान व्यापार में आ रहे हैं तो वो इसी फार्मूले के शिकार होते हैं शुरुआत में, और एक तजुर्बा होने के बाद वो अपना जो जोश है वो कन्वर्ट ना करते हुए वो हताश होकर उस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जो पहला मार्गदर्शन मिला था वो वहां पर उनको बिल्कुल वो काम नहीं आया उनके, या फिर वो ये कहते हैं कि मुझे अगर अब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि क्या होता है, लेकिन अब एक्सपीरियंस हुआ तो आपने वो एक्सपीरियंस तो बीच में ही छोड़ दिया। बहुत से लोग तो ये करते हैं कि शुरुआत में किसी पर बिल्कुल अंधा भरोसा करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है किसी पर भरोसा ही नहीं करते। तो व्यापारी का मिजाज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? व्यापारी का मिजाज होना चाहिए कि ऑथेंटिक चीजों को देखकर उस पर भरोसा करे। और ऑथेंटिक चीजें क्या है, मैंने अक्सर मेरे कई वीडियो में आपको बताया है कि चाय व्यापार बहुत अच्छा व्यापार है, इसे करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, आपकी लाइफ बन सकती है, आप सेटल हो सकते हैं। कम से कम एक आदमी अगर 200 रुपए रोज कमा रहा है तो 300 रुपए रोज कमाने की आशा कर सकता है, कोई 300 कमाता है तो 400 रुपए कमाने की आशा पर डे कर सकता है, यानी आदमी जो 9000 रुपए कमा रहा है वो 12000 रुपए की आशा कर सकता है, जो 12000 रुपए कमा रहा है वो 20000 रुपए की आशा कर सकता है। जॉब से बेहतर ये बिजनेस है। आप अगर मान लीजिए कि आपने एक पैकेट के पीछे, एक किलो चाय के पीछे 30 रुपए किलो का प्रॉफिट रखा है, तो 10 पैकेट बेचने पर 9000 रुपए की सैलरी या 9000 का प्रॉफिट, आप इसको प्रॉफिट पकड़े या सैलरी पकड़े डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। 20 पैकेट अगर आप बेचते हैं तो 18000, 20 किलो चाय अगर आप सेल करते हैं पर डे तो 18000 रुपए का आपको, 40 बेचते हैं तो 36000 रुपए का आपको लाभ यहां पर मिल सकता है। आप 36000 रुपए महीने का व्यक्ति हो सकते हो, मगर बिना समझे, बिना सीखे, बिना जाने अगर आप तुक्के लगा के, गेज लगाकर या अपने मन की कर अपनी गाड़ी कमाई इस बिजनेस में लगाकर आ रहे हो तो आपका पैसा लगाना व्यर्थ है। बहुत से लोग जिनको ज्ञान होता ही नहीं है, तो शुरुआत में जो ज्ञान उनको नजर आता है उनको लगता अच्छा ये ज्ञान है, तो वो उस ज्ञान को सर्वव्यापी समझकर स्वीकार करते हैं और उस हिसाब से चलने लगते हैं, और फिर यह होता है कि बाद में बाजी पलट जाती है और पता चलता है कि उस गलत रास्ते पर गए, लेकिन जब उनको ये पता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनके अंदर जिद आ जाती है कि नहीं मैं, एक आदमी गिर जाए और फिर भी बोले नहीं मैं नहीं गिरा, मेरी टांगे अभी भी ऊपर है, तो इस प्रकार का कुछ काम यहां पर होता है। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक एजुकेशनल यहां वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूं, ताकि आप सही मार्ग पर आए, आप सही मार्गदर्शन आपको मिले और चाय व्यापार में आपकी एंट्री बिल्कुल सटीकता के साथ बिल्कुल सही हो। अगर आप अनुशासन का पालन करेंगे तो डेफिनेटली यह होगा, मगर आप लोग अनुशासन का पालन ना करते हुए, आपको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट कहां होते हैं भाई, लाइफ में शॉर्टकट कहां होते हैं आप बताइए मुझे। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे जुगाड़ू व्यक्ति समझता हूं, लेकिन मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में, मेरी अब तक की लाइफ के अंदर मुझे कभी भी कोई शॉर्टकट नजर नहीं आया। जिसको हम शॉर्टकट समझते हैं उससे हमको अक्सर सिर्फ नुकसान ही पहुंचा। आपको चाय व्यापार शुरू करने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जो आपको बताना भी चाह रहा हो, सिखाना भी चाह रहा हो और आपको सारे लाभ, वो सारे राज वो बताना भी चाह रहा हो, या फिर आप खुद ही किसी चाय कंपनी में जाकर पहले एक महीना दो महीना काम कीजिए, ताकि आपको किसी के मार्ग, अगर आप में ये बात है कि आप किसी का मार्गदर्शन नहीं लेना चाहते, आप किसी से प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते, तो फिर जाइए आप किसी चाय कंपनी में एक दो महीना पहले काम कीजिए, उसके बाद फिर आप चाय व्यापार में आइए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, मैं आपका शुभचिंतक बनकर अक्सर मैंने आपको राय दी है, लेकिन मेरा काम है कोशिश करते रहना, आप ले या ना ले,
मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में चाय व्यापार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली मेरा वादा है कि चाय व्यापार में आप रॉक करोगे, आप कामयाबी की ऊंचे शिखर पर जरूर पहुंचोगे, क्योंकि हम अपनी जर्नी आपके लिए बिल्कुल एक खुली किताब की तरह आपके सामने रख चुके हैं। अब आप इसका लाभ उठाएं या फिर आप इसे इग्नोर करें या फिर आप एक तजुर्बा कर ले, और तजुर्बा करने के बाद हिम्मत मत हारिए, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपको जो भी आपका जो भी प्रश्न है, आपका जो भी सवाल है, नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको चाय से जुड़ी जानकारी बिल्कुल मिल जाए। आपको सिर्फ कॉल नहीं करना है, आपको नीचे दिखाई दिए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। कोई भी सवाल आपका, कोई भी सवाल हो आपको मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा या कॉल द्वारा या फिर आपके सवालों पर हम वीडियो बनाकर आपको उन सारे सवालों के जवाब देंगे, जिससे आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे व्यापार करे। मैंने तो सारे तुक्के लगा के देखे, मैंने कई मार्गदर्शन दिए लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। अगर ये सवाल बार बार आपके दिमाग में आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, BBZ एग्जीक्यूटिव हमेशा से आपको बेहतरीन राय देता है, बेहतरीन मार्गदर्शन करता है और बेहतरीन चाय भी देता है। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।